ठीक है, कल वाला मुझे भेज देना थोड़ा सा बच्चे, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, ये ए और बी का मिक्सचर था जिसमें कि ए वोलाटाइल है ना, और उसका प्रेशर उसका प्रेशर क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पे पीएच बोलो पीए नॉट एक्स, जस्ट लाइक दैट। ये गैस और लिक्विड का मिक्सचर है, मतलब लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व हो रहा है। अब मैं कैसे निकालती हूँ, यहाँ पे गैस का, इसको गैस का जो प्रेशर है, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, दिस इज इक्वल टू के एच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी गैस इज इक्वल टू के एच इनटू एक्स गैस। बिल्कुल वही बात है, ये ए का प्रेशर है, ये उसका प्योर फॉर्म का, उसका जो जो प्योर अगर है तो उसका जो मैक्सिमम अगर प्रेशर वो दिखाया गया है, और ये उसी का मोल फ्रैक्शन है। ये गैस का प्रेशर है, उसी का मोल फ्रैक्शन है, और ये पीएच है, एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे ए वोलाटाइल है और यहाँ पे गैस वोलाटाइल, मतलब ये डिजोल्व हो रहा है, मतलब वोलाटाइल है ये पानी में लिक्विड फॉर्म में जा सकता है, मतलब ये गैस है, इसका जो है वो मोल फ्रैक्शन दिखाया जा रहा है। किसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को सेम कर लेती हूँ, KH is equal to PA not अगर हो जाता है, तो टोटल दोनों जो है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर है और ये हेनरी लॉ कांस्टेंट है। इन दोनों के अलावा ये पूरे के पूरे सिमिलर एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको और इसको इक्वल कर दूं, हेनरी लॉ कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्योर वेपर प्रेशर, अगर मैं इनका वैल्यू अगर सेम हो जाता है, तो ये पूरा दोनों के दोनों इक्वल टर्म बन जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो हेनरी लॉ है, ये रॉड्स लॉ का एक स्पेशल केस है, कहा जाता है। क्लियर अंकित? जी मैम, क्लियर है। बिल्कुल सेम चीज है, यहाँ पे उसी का प्रेशर है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे ये प्योर फॉर्म का है, यहाँ पे ये हेनरी लॉ क्वेश्चन बोल दिया हमने उसको, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन है। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं, आपको मैंने वो पढ़ा था क्या, एज़ोट्रोप्स, थोड़ा सा बता देती हूँ फिर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चलेंगे। हाँ, पहले मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। नहीं बताया था कल, नहीं मतलब थोड़ा सा हल्के से शायद मैंने बताया था आपको मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग क्या होता है, मैं मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों बताया था, जैसे यस मैम बताया था, थोड़ा 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 बताया था। अच्छा, थोड़ा सा एज़ोट्रोप्स किसे कहते हैं? एज़ोट्रोप्स का मतलब होता है, सबसे पहली बात है, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो एज़ोट्रोप फॉर्मेशन करते हैं। कौन बनाता है अगर बोला जाएगा, तो आपके पास दो चीजें, एक तो आपके पास है आइडियल और एक है नॉन आइडियल, दो चीजें हैं। आइडियल सॉल्यूशन जो है वो एज़ोट्रोप फॉर्मेशन है। एज़ोट्रोप फॉर्मेशन कौन करता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन एज़ोट्रोप फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो एज़ोट्रोप कौन बनाता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो एज़ोट्रोप फॉर्मेशन करता है। अच्छा, नॉन आइडियल एज़ोट्रोप्स किसे कहते हैं? ये एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है जो कि एक ही साथ डिस्टिल ओवर होता है। इसका मतलब है एक ही साथ आप जब उसे बॉइल करोगे तो उसके दोनों, मान लो एक मिक्सचर है, उसमें अगर मैं इंडिविजुअली लूं तो ए का बॉइलिंग पॉइंट अलग होना चाहिए, बी एक दूसरा लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होना चाहिए, पर जब मैं उनका मिक्सचर बनाती हूँ और उसे जब मैं बॉइल करती हूँ, तो दोनों ही कंपोनेंट एक ही साथ वेपर बन के जाके कंडेंस होते हैं, कंडेंसेशन पे जाते हैं, और जहां पे भी जाते हैं मैं इन दोनों को इकट्ठा कलेक्ट करूंगी। ऐसा नहीं है कि जब मैं बॉइल करती हूँ तो ए की बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो पहले ए बॉइल होके चला, वेपर होके निकल गया और उसके बाद बी निकला, ऐसा नहीं है। जब उनको बॉइल करा जाता है, उनका वेपर क्रिएट होता है, उनको कंडेंसेशन पे लिया जाता है, तो दोनों एक ही साथ जाते हैं, उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है डिस्टिलेशन से, डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। दीज आर एज़ोट्रोप्स। अगर मैं इंडिविजुअली मान लो लेती हूँ तो ए का बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है, मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, बी का 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है, जब दोनों का मिक्सचर बनाती हूँ तो क्या होना चाहिए, पहले ए जो है ये 80 डिग्री सेल्सियस पे वेपर होकर निकल जाना चाहिए,
और फिर जो है जो बी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बन के निकलना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब बनता है तो जब दोनों ही कंपोनेंट एक ही मिक्सचर के अंदर रहते हैं तो इनका दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो एक स्टेबल होता है, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पोजेस करते हैं और एक ही साथ वेपर बन के दोनों निकलते हैं. ऐसा नहीं है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहला है वो जाके पहले निकल के कलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है. इसलिए कहा जाता है कि एज़ोट्रोप्स को हम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दे गो टुगेदर, दे बी टुगेदर, दे गो टुगेदर, दे आर कलेक्टेड टुगेदर. हियर दीज आर एज़ोट्रोप्स. और एज़ोट्रोप्स में भी दो तरीके के एज़ोट्रोप्स होते हैं. कौन कौन से एज़ोट्रोप्स होते हैं? एक तो होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स. मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स किसे कहते हैं? इसका दो तरीका होता है. एंड मैक्सिमम बॉइलिंग. तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स कौन दिखाता है? पॉजिटिव डेविएशन जो दिखाते हैं. पॉजिटिव डेविएशन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है वो मिनिमम बॉइलिंग. और मैक्सिमम बॉइलिंग कौन होता है? जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं. पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है मिक्सचर का. रॉल्स लॉ वाले कैलकुलेशन से प्रेशर ज्यादा हो जाता है. पॉजिटिव है तो ज्यादा हो जाता है और प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाता है सिंपली. ओके. और नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव का मतलब है वेपर प्रेशर घट जाता है और प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाता है. क्लियर है? ये कंसेप्ट जोड़ के आप इसे लिख सकते हो. बाकी एग्जांपल बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स में आप एग्जांपल दो. पॉजिटिव डिवीजन का सारे एग्जांपल दे देना. मैक्सिमम बॉइलिंग का एग्जांपल दो. नेगेटिव का आपको कल मैंने लिखवाया था उसे दे देना सारा. ठीक है. आई थिंक ऑल क्लियर. एंड पूछा जाएगा ये क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं क्या एज़ोट्रोप्स को? मान लो अनदर क्वेश्चन कभी आता है आपका ये, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज माय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि लिक्विड का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि सोल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट. सोल्यूट के सोल्यूट नहीं, खाली आप लिखोगे कि दैट डिपेंड्स ऑन सोल्यूट तो गलत है. दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स और यू कैन कॉल्ड सॉल्वेंट पार्टिकल्स. जो सिंपली नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल एक प्योर लिक्विड है ये प्योर लिक्विड है ए. ठीक है ये बिल्कुल प्योर लिक्विड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है. ठीक है. मैंने तीन सॉल्यूशन लिए हैं क्या आपको वैसे ही पता है. ठीक है. ये बिल्कुल प्योर लिक्विड है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, खाली ए वोलाटाइल लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट है. प्रेशर कितना दिखाएगा? बहुत ज्यादा दिखाएगा. टू मच वेपर प्रेशर. खाली ये है ना, प्योर वोलाटाइल लिक्विड है. यहाँ पे क्या है? ये पूरा प्योर ए है, इसमें और कुछ भी नहीं है. क्लियर ना? यहाँ पे क्या है? ए के साथ बी के कुछ पार्टिकल्स आ चुके हैं. ए तो है ही प्लस बी के कुछ पार्टिकल्स आ चुके हैं. जैसे ही बी के पार्टिकल्स ए के अंदर आते हैं, बी नॉन वोलाटाइल है. जैसे ही बी के पार्टिकल्स ए के अंदर आते हैं, ए का वेपर प्रेशर घट जाता है ऊपर, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो ए के पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर जो है थोड़ा सा घट जाएगा. मतलब इसमें ज्यादा था, इसमें प्रेशर और घट गया. क्यों घट गया? क्योंकि ए को डिस्टर्ब करने आ गया है बी. बी के कुछ पार्टिकल्स ए के अंदर आ चुके हैं. ठीक है. तो ए का प्रेशर घट गया. ठीक है. अच्छा, बी अब ये भी ए और बी का मिक्सचर है, जहां पे यहाँ पे बी के कुछ ही पार्टिकल्स आए थे
बट यहाँ पे बी के काफी सारे पार्टिकल्स आ गए हैं। यहाँ पे बहुत थोड़े ही पार्टिकल बी के आके डिस्टर्ब करने आ गए थे, बट यहाँ पे बी के काफी सारे पार्टिकल्स आ चुके हैं। अब आप बताओ यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर कितना बनेगा, वेपर कितना बनेगा, कम या ज्यादा? कम, बहुत कम बनेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैं इम्प्यूरिटी डालती हूँ, लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है, यहाँ पे अगर वेपर ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, वेपर अगर कम है तो प्रेशर कम हो गया, वेपर और कम होगा तो प्रेशर और कम हो गया। तो प्रेशर कैसे, लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे घटा, किसके ऊपर डिपेंड किया? लिक्विड जो नॉन वोलेटाइल पार्ट, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स है उसके नंबर के ऊपर डिपेंड करा। और एक मैं कंटेनर ले लेती हूँ, यहाँ पे बी और डाल दूंगी मैं, तो वेपर तो बनेगा ही नहीं, ना के बराबर बनेगा। दैट मीन्स द डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब अब दूसरी तरह से कहोगे अगर, तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, आप जिसे आप कहते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हो, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर किस तरीके से घट रहा है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो दिस इज माय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये लिक्विड का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि ये सोल्यूट, जो सोल्यूट आपने मिलाया है उसकी नेचर के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे किससे लेना देना है, कितना नंबर आपने डाल दिया है। आपने अगर कम नंबर डाला प्रेशर अच्छा खासा रहेगा, आप अगर ज्यादा नंबर डालते हो तो प्रेशर घट जाएगा। तो इसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स जो वेपर प्रेशर घट रहा है ना, दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एडेड टू द मिक्सचर। दैट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं। वी हैव फोर टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक है, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एंड द फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर।